हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, ये ओप्पो का A1K मॉडल है। और ये फ़ोन जैसे आप उसको ऑन कर रहे हैं या चार्जिंग पे कर रहे हैं, तो रिकवरी मोड या फास्ट बूट मोड या फैक्ट्री मोड पे अगर जाता है तो उसके सोल्यूशंस की हम बात करते हैं। तो ये हमारा A1K है, जैसा कि आप देख सकते हो ओप्पो का A1K। इसको हम ऑन करते हैं, चार्जिंग करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्री मोड या फास्ट बूट मोड या आपका रिकवरी मोड में अगर चला जाता है तो इसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्टिंग तक देखिएगा। आपको अगर सोल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं फ़ोन को वापस से बंद कर रहा हूँ और एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि क्या एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो मैं तीनों की को एक साथ प्रेस करके फ़ोन को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर देखेंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है कि नहीं है। तो देखिए, बंद हुआ और बंद होने के बाद जैसे ही फ़ोन हमारा ओपन होगा तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे जाएगा, नीचे साइड में। जैसे ही हमारा फ़ोन अभी ऑन होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि ये हमारा रिकवरी मोड पे चला जाएगा। ये देख सकते हैं, तो ऑटो रिकवरी मोड पे जा रहा है। तो इसका सलूशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा और आपको जैसा ये प्रॉब्लम अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक है आपने देख ही लिया है, तो हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ये हमारा रिकवरी में जाता है, ये हमारा जो रिकवरी मोड पे चला जाता है फ्रेंड, तो इसका दो रीज़न हो सकता है, या तो बहुत सारे मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों से ही हो सकता है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें, सबसे पहले अगर ये होता है तो आपको सबसे पहले फ्लैश करना है। अगर फ्लैश से नहीं होता है तो ये ज़्यादातर 90% कंज्यूम हो जाती है IC, उसके वजह से सिस्टम की फाइल करप्ट हो जाती है, उसके वजह से भी। तो ये MMC के फॉल्ट से भी आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले कभी भी आपके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो उसको सबसे पहले आप फ्लैश करके देखो कि फ्लैशिंग में कोई एरर आ रहा है कि नहीं। तो मैं भी वही करने वाला हूँ। अगर इससे नहीं होगा तो फिर हम आगे का स्टेप देखेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले अगर आपके पास कभी भी हैंग ऑन लोगो, ऑटो रिस्टार्ट या रिकवरी मोड, फास्ट बूट मोड आपके पास डायरेक्ट जा रहा है, तो आप सबसे पहले उसको हार्डवेयर चेक करिए, उसकी वैल्यूम अप डाउन पत्ते को चेक करिए। उसके बाद नहीं होता है तो फिर आप उसको सॉफ्टवेयर कीजिए। तो चलिए, हमें उस सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। हमें सबसे पड़ेगी उसकी फ्लैश फाइल। देखिए, मैंने उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखी है। जब मैंने उसको एक्सट्रैक्ट की तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी जो फाइल है वो आती है OFP फाइल में। ये जैसे आप आओगे अंदर तो आप देखोगे कि OFP फाइल में आएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये हमारा OFP फाइल में कन्वर्ट हो जाती है फ्रेंड। और जब OFP फाइल आएगी तो मैं आपको OFP फाइल थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करता हूँ। OFP फाइल, क्योंकि मैं सारी फाइलें आपको दिखा दूँ, ये वर्किंग ओके इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये OFP फाइल आती है फ्रेंड, तो OFP फाइल को हमें स्ट्रैक करना होता है। तो उसको स्ट्रैक करने का भी वीडियो मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी आ गई, ये हमारी है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा दूँ। ये देखिए OFP फाइल, ये हमारी OFP फाइल है, क्योंकि ये मेरे SP फ्लैश टूल में तो लेगा नहीं। तो ये देख सकते हैं OFP फाइल, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब उसके लिए चाहिए हमको इसको स्टैक करना होगा। स्टैक करके इसको हमें स्कैटर में यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मैंने स्कैटर टूल चलाया हुआ है, बाकी आई बटन में मैंने वीडियो भी डाल दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जब मैंने स्टैक किया तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, ये आपका स्कैटर फाइल मिल गया। तो हमें स्कैटर मिल गया। अब स्कैटर मिल गया फ्रेंड, ये देख सकते हैं उसी का A1K का है, ये हमारी स्कैटर मिल गई। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। अब हमें टूल चाहिए, तो दो टूल की आवश्यकता पड़ेगी आपको। एक पड़ेगी आपको SP फ्लैश टूल और एक हमारा ऑथ बाईपास टूल। तो चलिए मैंने देखिए दोनों ही दिखा दूँ आपको। एक आपका हो गया ये ऑथ बाईपास टूल, जो कि मैं यहाँ पे खोल के साइड में रख दे रहा हूँ। और एक हमें टूल चाहिए फ्रेंड, SP फ्लैश टूल। ये तो हमारा SP फ्लैश टूल हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारा SP फ्लैश टूल हो गया, और हमें चाहिए ऑथ बाईपास टूल चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हमारे टूल है, हम इसे टूल को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमें आपको फाइल दे देते हैं। तो फाइल हमारी है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे रखी हुई है, ये हमारी रखी है A1 की। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको चूज़। अब उसके बाद आपको ऑथ भी दे देना है, ऑथ आपका मिल जाएगा उसी फॉर्मवेयर के अंदर जब आप स्टैक करोगे। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको ओप्पो सर्वर को अनटिक कर देना है, बस। ओप्पो सर्वर 2 को आपको अनटिक कर देना है। अब फ़ोन को आपको कनेक्ट करना है, तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको ये टूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इसको इधर साइड कर देता हूँ और मैं इसको भी इधर साइड कर देता हूँ। अब आपको सिंपल यहाँ पे बाईपास पे क्लिक कर देना है। बाईपास पे क्लिक कर दिया, फ़ोन को वैल्यूम अप डाउन दबा करके आपको कनेक्ट करना है। वैल्यूम अप डाउन, और यहाँ पे वैल्यूम अप डाउन दबा करके फ़ोन को कनेक्ट करना है।
मैं यहाँ पे देखिए वैल्यूम अप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट कर दिया फ्रेंड। मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ आपको क्या क्या करना था। आपको यहाँ पे फाइल हमने दे दिया, यहाँ पे डीए देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमारा ओके हो चुका है। बस हमने ओप्पो सर्वर को अनटिक किया और सिंपल सिंपल हमें कर देना है डाउनलोड पे क्लिक। तो डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे गाइस, तो ये हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी फ्लैशिंग, जो कि एनी मेटा टेक को भी आप ऐसे ही फ्लैश कर सकते हैं, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो एमआई हो, चाहे कोई सा भी ब्रांड हो, आप यहाँ पे मीडिया टेक से रिलेटेड आप ऐसे ही उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो ये आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मैं लास्ट इंड तक दिखाऊंगा कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होता है कि नहीं। तो आप वीडियो में बने रहें लास्ट इंड तक। बस ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा। सिस्टम की फाइल जा रही है, सिस्टम के फाइल जाते ही हमारा ये बेसिकली जॉब डन हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे। तो बस जस्ट ए मिनट, पर प्लीज़ आप हमारे चैनल में अगर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ऐसे ही वीडियो जो भी अपडेट वीडियो होगा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी गाइस, जैसा कि आप जान सकते हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और नोटिफिकेशन को भी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे। तो ये है A1K की फ्लैशिंग भी, आप इसको देख सकते हैं कि हम A1K को कैसे फ्लैश करते हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़, आप यहाँ पे इसको डेड में भी ले सकते हैं, डेड बोर्ड रिपेयर, अगर आपका फ़ोन पोर्ट बना रहा है तो आप इसको मतलब डेड बोर्ड रिपेयर भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये जो मेथड है, जो मेरा समझाने का तरीका है, आपको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो, ये ट्रिक कैसा लगा। तो ये जो जा रहा था मैंने शुरू में जो आपको दिखाया कि ये आपका फास्टबूट मोड, रिकवरी मोड, अगर ये जा रहा है फ़ोन तो ये हार्डवेयर से भी रिलेटेड होता है और सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड होता है। तो बेसिकली अभी हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखते हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नहीं होगा तो फिर इसकी MMC पे काम करेंगे। इसकी MMC ज़्यादातर 90% कंज्यूम होने के कारण भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो जस्ट वेट, क्योंकि मैं वीडियो कोई भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फेक वीडियो भी नहीं बनाता हूँ अपने चैनल में। जो भी रहता है हमारे चैनल में जेन्युइन वीडियो रहता है। अब ये यूज़र डाटा जा रहा है और ये तुरंत हो जाएगा। और तो ये लगभग लगभग कम्प्लीटली डन हो चुका है, फिर मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा डाटा केबल से लगा रहेगा कि हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए डन हो चुका है, अब हमारा फ़ोन ये देखिए ओके वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए अपने फ़ोन पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए वो जब जॉब डन हो गया फ्रेंड, तो अब ये फ़ोन को देखिए डाटा केबल से लगा हुआ है। अभी फ़ोन को करते हैं ऑन, ये डाटा केबल से लगा हुआ है। तो फिलहाल उस कंडीशन में आपको एक बार बैटरी निकाल करके लगानी थी, तो मैं इसको पावर की को प्रेस कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये जो हमारा आ रहा था यहाँ पे, अभी तो फ़िलहाल फ़ोन ऑन हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, और ये देखिए फ़ोन हमारा सेकेंड बूट पे चला गया। फर्स्ट बूट ओप्पो पे था, अभी हमारा सेकेंड बूट पे चला गया। यहाँ पे अभी कोई भी एरर नहीं आ रहा है, मतलब जो आपका लिख करके आ रहा था अभी यहाँ पे कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा है। तो आई होप ये वही फ़ोन है जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था A1K। आपको मैं दिखाने की अगर कोशिश करूँ तो ये देखिए ये वही फ़ोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पूरा जॉब डन हो चुका, ओके हो चुका है। ये जो हमने प्रोसेस किया इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बूटिंग होने में तो हम इसको वेट करने देते हैं। तो फाइनली फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो अब इसे हमें क्या करना है, सीधा इमरजेंसी में जाना है, और स्टार हैज़ 813 हैज़ क्लिक करना है, और ये हमारा जॉब डन हो जाएगा गाइस। चुटकी में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बैटरी चार्ज नहीं है, देखिए फ़ोन बंद भी हो गया है, बंद हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा ये ऑन हो गया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।